वेलकम यू ऑल इन माय चैनल कॉन्सेप्ट गुरु एके ते मैं हाँ तुहाडा होस्ट अश्विनी कुमार। सो प्यारे विद्यार्थियों असी चैप्टर कर रहे सीगे इलैक्शन कमीशन वाला ते जिहड़ा चोण प्रणाली है उहदे च बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वा चोण प्रक्रिया। जिहड़ा चोण प्रक्रिया टॉपिक है को किवें चोण का प्रोसैस कंप्लीट किया जाता इलैक्शन नूं किवें कंडक्ट किया जाता वो टोटल एक फ्लो चार्ट हुंदा है। तो असी अपने स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल झावर गुरदासपुर ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ भी किवें एक इलैक्शन प्रोसैस शुरू तो कंप्लीट हुंदा है। तो जिहड़े सारे मेजर जिहड़े फैक्टर ने काउंट किए हुए ने तुहानूं मैं ये दिखावांगा भी तो एक्सप्लेन भी करांगा नाल नाल। एक बार मैं तुहानूं दिखाना देखो चोण प्रक्रिया का फ्लो चार्ट है वो सब तो पहले आता चोण खेत्र निर्धारित करना मतदाता सूची तैयार करना चोण नीति की घोषणा करना चोण अधिकारी नियुक्ति। सो सारे आप एक एक जो टॉपिक है उन्होंने पकड़ के तो डिस्कस करेंगे। सब तो पहले साढ़े को है वह चोण खेत्र निर्धारित करना। चोण खेत्र निर्धारित करने का अर्थ यह है कि चोण जो वह चोण का खेत्र एक हदबंदी कमीशन बनाया गया 1950 संसद ने बनाया 1952 बनाया तो उस कमीशन वो कमीशन हर बार ये हदबंदी निश्चित करता है लोग सभा दियाँ तो विधानसभा का किहड़ा हलका रहेगा बहुत ही बार उन्होंने चेंज नहीं किया जाता पर कई बार चेंजेस करनी पैंदियां ने। सो एक हदबंदी कमीशन बनाया गया 1952 उहदे आधार ते फिर जिहड़ा चोण खेत्र निश्चित किया जाता एम पी वास्ते तुहानूं पता ही आ मैंबर ऑफ पार्लीमेंट लोग सभा लई बहुत वड्डा खेत्र हुंदा विधानसभावां लई छोटा खेत्र हुंदा। सो इलाके दियां भूगोलिक स्थिति नूं वेखदे होए हदबंदी की जाती है। सो इहदा पहला पॉइंट जिहड़ा चोण प्रक्रिया का सब तो पहली कार्रवाई की हुंदी है हदबंदी निश्चित की जाती है हदबंदी की जाती है भी इन्ने एरिया नूं एक एरिया मन्निया जाएगा। उस तों बाद मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करने का मतलब है वोटर सूची तैयार करना जिहड़ी वोटर सूची है मतदाता आपां वोटर नूं कहिंदे आ। सो वोटर सूची अजिही हुंदी है भी जिहदे विच सारे वोटरां दा नाम हुंदा पूरा एड्रैस है एक पिंड है शहर है मुहल्ला है उहदे च हरेक एलीजिबल वोटर दा नाम शामिल किया जाता किसी नूं भी धर्म जात भाषा दे आधार ते इन एलीजिबल नहीं किया जाता तो सारे जिहड़े एलीजिबल जिहड़े योग लोग ने वोटर ने उन्हां दा नाम उहदे च शामिल किया जाता। सो मतदाता सूची तैयार की जाती है। पंजाब विच अजकल BLO ब्लॉक लैवल ऑफिसर जिहड़े ने वह वोटर सूचियां जिहड़ियां ने तैयार करते हैं घर घर जाके वोटर सूचियां की तैयारी होंदी है इन्हां दी सुधाई भी हुंदी रहिंदी है जिहड़े नां कट्टे जांदे ने जां कुछ लोग जिवें लड़कियां दी शादी हो जाती है कुछ लोग एक्सपायर हो जाते हैं कुछ इलाका छड के चल जाते हैं घर बदली कर लेंगे ने सो उन्हां दा नाम कट्टे भी जाते हैं तो जिहड़े नवे वोटर बनते हैं जां बाहरों कोई व्याह आ गया ठीक है उन्हां दे नाम विच शामिल भी किए जाते हैं। सो वोटर सूचियां की सुधाई का काम हर साल ही चलता रहिंदा। सो नैक्सट जिहड़ा पॉइंट हैगा वह हैगा वै चोण मिति की घोषणा। चोण डिकलेरेशन डेट डिकलेरेशन की जाती है कि किन्नी तरीक नूं जिहड़ियां वोटां पैणगियां। सो चोण मिति मैं पहले भी दस चुका वा भी चोण मिति जिहड़ी है ध्यान नाल रखी जाती है भी जिहड़ी कोई ऐसा फैसटिवल ना होए भी लोग अपने फैसटिवल च रुझे रहन ते वोट पाउण ना आउण या कोई बरसात का मौसम कोई ऐसा मौसम भी ना हो जिहदे विच लोकां दा आउणा मुश्किल होवे जिस इलाके च इलैक्शन होवे ये डेट्स नूं ध्यान रखिया जाता वा। सो जिहड़ा चोण कमीशन है वह इस चोण प्रक्रिया दे विच जिहड़ा अगला काम हो जाता की करते हैं वो चोण मिति की घोषणा करते हैं डेट्स डिकलेयर करते हैं कदों वोटा पैणगियां कदों लोग नामजदगी पत्र दाखिल कर सकते हैं कदों अपने नाम वापस लै सकते हैं ये पूरी प्रक्रिया जिहड़ी है वो डिकलेयर करके दसी जाती है लोगों नूं ताकि लोग जिहड़े ने अपनी नामजदगी पत्र समय सिर दाखिल कर सकन। उस तों अगे आ गया चोण अधिकारियों की नियुक्ति। जिहड़े चोण अधिकारी ने इलैक्शन ऑफिसर ने उन्होंने नियुक्ति की जाती है हरेक इलाके दे विच एक मुख चोण अफसर बनाया जाता फिर रिटर्निंग अफसर होंगे ने तो उहदी सहायता लई फिर होर छोटे ऑफिसर होंगे ने जिहड़े एक्चुअली पोल कंडक्ट करवाते हैं प्रजाइडिंग ऑफिसर ते पोलिंग ऑफिसर इन्हां सारिआं दी नियुक्ति की जाती है सिक्योरिटी वास्ते जिहड़े मुलाजम रखे जाते हैं। सो ये सारे फिर इलैक्शन कमीशन के अंडर रह के काम करते हैं। सो इलैक्शन जदों किसी की इलैक्शन ड्यूटी लग जाती है तो वह इलैक्शन कमीशन के अंडर रह के फिर उन्होंने काम करना पैदा तो उन्होंने सेवा शर्त अनुसार उन्ना चेर उन्होंने उस प्रोसैस रेंगे ने। सो चोण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उस तो अगे
मतदान केंद्र स्थापित करना। मतदान केंद्र स्थापित किए ने वोट जिहड़ा पोलिंग बूथ बनाया जाता जिथे एक्चुअली वोटा पैनी है। बूथ इस ढंग ना बनाया जाता भी लोगों को बहुत दूर ना लगे तो लोगों को वोट पाने मुश्किल भी ना हो। दूजा बूथ बना लगे भी ध्यान रखा जाता उन्ने वोटर रखने ने जिन्ने एक दिन के आसानी नाल वोट पा सकन। जेकर वोटर उस इलाके ज़्यादा होन तो एक तो ज़्यादा बूथ भी बनाए जा सकते हैं। सो जो बूथ है जोड़ा वो वधिया ते सूटेबल जगह पर बनाया जाता जिथे लोग जो लाइन च भी लग जा आराम नाल वो आराम नाल वोटिंग जी कर सकन। सो चोन बूथ तैयार करना भी अगला जो प्रक्रिया का हिस्सा है। सो चोन खेत निश्चित करना, मतदाता सूची तैयार करना, चोणों की मिति घोषित करना, चोन अधिकारी नियुक्ति करना, मतदान केंद्र स्थापित करना, यह सारा ही उस फ्लो चार है। सो इस तो अगे जो फ्लो चार्ट अगले आ जाता है नामजदगी पत्र दाखिल करना। नामजदगी पत्र जोड़ा वा इलैक्शन किसी राज इलैक्शन होनी है जो डिकलेयर जोड़ा वा चोन कमीशन डेट्स वगैरह डिकलेयर करता पर ये बारे जो फाइनल ऐलान है उस तो पहले राष्ट्रपति लोग सभा चोणों वास्ते संसदीय चोणों वास्ते ते विधानसभा वास्ते राज्यपाल करता है पर डेट्स जिहड़ियां ने कदों नामजदगी होएगी कदों नाम वापस ले जाएंगे ये चोन कमीशन का काम है। सो जो डिक्लेयर किया जाता नाल दस्सिया जांदा कि इन्नी तरीक नूं नामजदगी पत्र दाखिल होणगे भाव इन्नी तरीक नूं तुसीं कोई तरीक दित्ती जांदी है उन्नी तरीक नूं तुसीं अपने नाम नोमीनेट कर सकते हो इलैक्शन लई खड़े हो सकते हो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हो। पर यह याद रहे एप्लीकेशन देण दे नाल एक तुहाडी सपोर्ट च ते प्रोड़ता करन वाला बंदा भी होना चाहिए वै कुछ गिणती होंदी है दो कर सकते हैं चार कर सकते हैं पचास कर सकते हैं। सो जिहड़े भी उम्मीदवार ने इलैक्शन च खड़े होना वै उहदा सपोर्टर भी होने चाहिए ने जिहड़े उहनूं सपोर्ट करन भी हाँ ये व्यक्ति खड़ा होए तो असीं इहदी प्रोड़ता करते हैं। उस तो बाद उन्होंने चोन एक फीस होंगी है हरेक इलैक्शन खड़े होने की एक फीस होंगी है वो फीस भी उन्होंने नाल ही जमा कराने पैंदी है। इस तो बाद नामजदगी पत्रों की पड़चोल जिहड़े लोगों ने एप्लीकेशन दित्तियां ने नोमीनेशन आईयां ने लोगों दी इलैक्शन खड़े होने वास्ते उन्होंने पड़चोल की जाती है उन्होंने छानबीन की जाती है तो जेकर उन्होंने रिकॉर्ड सही पाया जाता तो उन्होंने चोन निशान दिते जाते हैं तो जे जो रिकॉर्ड सही नहीं पाया जाता तो उन्होंने जोड़ा वै नोमीनेशन पत्र उन्होंने रद्द किया जाता वै जेकर उन्होंने नाल डॉक्यूमेंट अटैच सही ना हो या वो कंप्लीट ना होते सो उन्होंने जांच पड़ताल उन्होंने रद्द भी किया जाता। नामजदगी पत्र की वापसी फिर एक डेट दी जाती है कि जेकर कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता तो वह वापस भी लै सकता। सो कई उम्मीदवार जिहड़े ने अपना नाम वापस लै लेंदे ने तो उन्होंने जी जमा कराई दी जी जमानत राशि वह वापस भी मिल जाती है। सो जिहड़े नाम वापसी का भी दिन होंदा उस तो बाद बाकियां नूं चोण निशान अलॉट किया जाता तो उस तो बाद इलैक्शन वास्ते लोग ने जिहड़े उम्मीदवार ने जिहड़े बिल्कुल तैयार होंदे ने। इस तो अगला स्टैप हैगा चोन प्रचार का। सो चोन प्रचार किया जाता वै चोन प्रचार बड़ी वड्डी पद्धर ते किया जाता वै जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टीज़ ने जां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी ने वह वध तो वध लोगों नूं दस्सण दी कोशिश करदे ने भी साडा उम्मीदवार जिहड़ा बहुत वधिया वा उम्मीदवार भी अपना पूरा जोर लाउंदे ने पार्टियां अपना चोन मैनीफेस्टो जारी करदियां ने भी जेकर साडी सरकार बनी तो आपां इह सहूलतां देवांगे। सो इहदे नाल नाल जिहड़े उम्मीदवार ने बड़े बड़े वड्डे पैंफलेट ते बैनर ते फ्लैक्स लगवा के तो आम घर घर तक पहुँच की जाती है ता कि वो तो वोगों अट्रैक्ट किया जाए तो लोगों जोड़ा वो तो इनफोरमेस दी जाती है अपनी पार्टी दंगी गल्लों के सामने लिया जामीदवार इस तरह पूरा जिन्ने भी दिन इलैक्शन लगभग 15 दिन जोड़ा चोन प्रचार चोन मुहिम चलती रहती है तो वो बड़े व्डे पद्धर से जानकारी लोगों को दी जाती है। सो ये एक बहुत व्डा पार्ट है चोन प्रचार का। सो बैनर फ्लैक्सा से हर एक चीज़ नाल हरेक व्यक्ति के कन्ना तक गल पहुँचाने की कोशिश की जाती है रेडियो टैलीविजन से सोशल मीडिया की भी वो तो वरतों की जाती है इलैक्शन प्रचार लिए। इस बाद आ गया वो दिन विशेष दिन जिदन वोटा पैनी है उन्होंने कहते हैं मतदान वोटिंग वाला दिन। वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ से वोट पाते हैं लोग क्योंकि चोन प्रचार जोड़ा वो 36 घंटे पहला ही बंद किया जाता वै इलैक्शन होने तो बाद उदो बिल्कुल शांति होंदी है फिर वोटिंग कराई जाती है। अजकल जिहड़ी है पहले पहल जिहड़ियां वोटां सीगियां वो बैलेट पेपर नाल पैंदियां सीगियां लोग मोहर लगांदे सी। सो इस कर अजकल मोहर लगाउण वाला काम नहीं अजकल बटन दबाउण वाला काम है। सो ईवीएम इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन राही जिहड़ा
ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ VVIP ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣੇ 2019 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿੱਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ AK ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।